बच्चों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसीआई नीट। मैं राहुल कुमार कुलदीप एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है फ्रॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा प्लस एक ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि इन दोनों में जो सेम स्ट्रक्चर है फ्रॉग के अंदर जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन के अंदर स्ट्रक्चर है, दोनों के अंदर फंक्शन अलग अलग करेगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन क्वेश्चन को ही देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ यूरेटर। व्हाट इज फंक्शन ऑफ यूरेटर? अब यूरेटर है, अब सबसे पहले मैं देखूंगा फ्रॉग के अंदर, फिर इधर अपन चलेंगे किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। अब अपन जानते हैं कि फ्रॉग के अंदर मेल फ्रॉग भी होता है और फीमेल फ्रॉग भी होती है। अब जो ये फंक्शन ऑफ यूरेटर है, मेल फ्रॉग की अगर बात की जाए, अगर मेल फ्रॉग की बात की जाए तो मेल फ्रॉग के अंदर ये दो फंक्शन करेगा, एक तो एक्सक्रेटरी फंक्शन करेगा और दूसरा करेगा रिप्रोडक्टिव फंक्शन। दोनों फंक्शन करेगा, मतलब कि ये स्पर्म प्लस यूरिन, इन दोनों का क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। इन दोनों का क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। इन दोनों का क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख लेना ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म प्लस यूरिन का, इसलिए इसका दूसरा जो नाम है यूरेटर का, मेल के अंदर इसका नाम दे रखा है, दूसरा क्या इसका दूसरा नाम है, देखो यूरिन का प्लस स्पर्म दोनों का कर रहा है, उसका नाम होगा यूरिनो जेनाइटल डक्ट। सब कुछ मैं स्ट्रक्चर डायग्राम से भी ये समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो मेल के अंदर जो यूरेटर है वो दो फंक्शन कर रहा है, एक्सक्रेटरी और रिप्रोडक्टिव, जबकि फीमेल के अंदर देखा जाए तो फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा फंक्शन करेगा, एक्सक्रेटरी फंक्शन करेगा। ठीक है, मतलब कि यूरिन का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं मेल के अंदर, वो ह्यूमन के अंदर। अब ह्यूमन के अंदर जो यूरेटर है वो ही अपन दो चीज में देखेंगे, एक तो मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर। अगर फीमेल की मेल के अंदर बात की जाए तो वो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करेगा, और फीमेल के अंदर भी बात की जाए ह्यूमन मेल ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो ये यूरिन का ही फंक्शन करेगा, तो इसका दूसरा नाम यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ यूरेटर। क्या बोलेंगे, यूरेटर। ठीक है, ये एक सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब जैसे यूरेटर को बोलते वैसे हिंदी में मूत्र वाहिनी बोल तो रहे क्या इसको, मूत्र वाहिनी, लेकिन इस स्पर्म का भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन का मतलब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब इसके बाद चलते अपन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर। इधर तो बोल फ्रॉग लिखूंगा मैं इधर, और इधर क्या लिखूंगा, ह्यूमन। ठीक है, अब फ्रॉग के अंदर अपन देखेंगे क्या फंक्शन ऑफ क्लोइका। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लोइका, थोड़ा सा ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग ऐसी है, फंक्शन ऑफ क्लोइका। अब फंक्शन ऑफ क्लोइका है तो इसके अंदर देखो चाहे मेल हो मेल फ्रॉग हो चाहे फीमेल फ्रॉग हो, वो कॉमन फंक्शन कौन सा करेगी, जैसे कि डाइजेस्टिव का,
या फिर अपन तो कॉमन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो लेते हैं कि अदर फंक्शंस भी करती है कलोई का, लेकिन यहाँ पे कॉमन मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखो सेक्सुएटरी फंक्शन भी करेगी प्लस रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी करेगी, अदर फंक्शन भी करती है जैसे डाइजेस्टिव फंक्शन है, ये फेकल मैटर को बाहर करने का, ये फंक्शन भी करती है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये डाइजेस्टिव कॉमन स्ट्रक्चर हो गए ना, दोनों के अंदर पूछा जाए तो कॉमन स्ट्रक्चर कौन से है, कलोई का। कलोई का एक्सक्रेटरी फंक्शन भी कर रही है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी कर रही है। अब ह्यूमन के अंदर बात की जाए फंक्शन फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब कि मूत्र मार्ग। अब वही अपन दो में बात करेंगे, तो मेल के अंदर बात करेंगे रे के, फीमेल के अंदर बात करेंगे। तो मेल के अंदर ये क्या करता है कि स्पर्म प्लस यूरिन दोनों को पास आउट करने का काम करता है, दोनों को क्या करने का काम करता है, पास आउट करने का काम करता है। जबकि मेल के अंदर तो दोनों का काम कर रहा है, फीमेल के अंदर अब देखते हैं, फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा है फीमेल के अंदर ओनली किसको पास आउट करेगा, यूरिन को। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन देखो मेल और फ्लो का दोनों का क्वेश्चन आता है, इजीली आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर दे रखी है, ये किसकी दे रखी है, फ्रॉग के अंदर मेल फ्रॉग की दे रखी है, फीमेल फ्रॉग की दे रखी है। अब देखो फीमेल को देखते हैं, सबसे पहले देखो ओविडक्ट, ओविडक्ट अलग से आ रही है एक, ठीक है, यह कहाँ पे ओपन हो रही है, क्लोइका में, ठीक है, तभी तो क्लोइका कॉमन हो गई थी, एक्सरेटिव और डाइजेस्टिव और अदर फंक्शन जैसे कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी कर रही है। ठीक है, अब यूरेटर की बात करें तो यूरेटर सेपरेट है, इसके अंदर सेपरेटली ओपन हो रहा है ना, तो यूरेटर तो कॉमन फंक्शन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ यूरिन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसका, यूरिन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि क्लोइका तो दोनों का कॉमन ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब मेल के अंदर आ जाते हैं, अब मेल के अंदर देखो ये क्या है, टेस्टिस, ये क्या है, वसा इफ्रेंशिया। ठीक है, तो ये टेस्टिस किस में ओपन हो रहे हैं, ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस किडनी के में ओपन हो रहे हैं किसकी सहायता से, वसा इफ्रेंशिया की सहायता से। तो ये डक्ट आ गई किडनी के अंदर आए, अब किडनी के अंदर आ रहे हैं तो फिर किडनी से क्या निकली, यूरेटर निकलता है किडनी से, जनरली कौन निकलता है, यूरेटर, यूरेटर। लेकिन अब ये किडनी से स्पर्म भी लेकर आ रहा है, यूरिन भी लेकर आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्या बोलते हैं इसको, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये कॉमन आ गई क्लोइका के अंदर, ठीक है, क्लोइकल अपेचर से बाहर निकल गए, पास आउट हो गए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कॉमन कैसे काम करता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर दे रखी है किसकी, ह्यूमन की, ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी ये स्ट्रक्चर दे रखी है। अब ये देखो किडनी, किडनी से क्या निकलता है, यूरेटर, ठीक है, ये और ये यूरिनरी ब्लेडर और ये यूरिथ्रा। अब देखो ये मेल और फीमेल दोनों का है, मेल प्लस फीमेल दोनों का ही है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसके, मेल और फीमेल दोनों की है। अब दोनों के अंदर आपने क्या देखा कि जो यूरेटर है वो सेपरेट हो रखा है, ठीक है, तो किसको पास आउट करेगा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर यूरिन को ओनली। लेकिन यूरिथ्रा क्या होता है कि ओपनिंग है, तो मेल के अंदर तो क्या करेगा, स्पर्म को भी पास आउट में पास आउट करेगा और प्लस यूरिन को भी। फीमेल के अंदर क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, वेजाइना करेगी, ठीक है, मतलब स्पर्म एंटर करेगा वेजाइना से। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, देखो काफी इजी कंसेप्ट है, बस आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर का फंक्शन देखा जाए तो फ्रॉग के मेल के अंदर और फ्रॉग फीमेल के अंदर देखा, फिर हमने ह्यूमन के अंदर देखा, ह्यूमन के अंदर यूरेटर का एक ही फंक्शन होगा, वो होगा यूरिन का, जो पास आउट, यूरिन को पास आउट करवाने का फंक्शन करता है। लेकिन यूरेथ्रा का फंक्शन पूछा जाए ह्यूमन के अंदर तो अलग अलग होगा, फीमेल के अंदर तो सिर्फ यूरिन को करेगा, जबकि मेल के अंदर स्पर्म प्लस यूरिन पास आउट करेगा दोनों। ठीक है, अब क्लोइका पूछा जाए, क्लोइका का फ्रॉग के अंदर होती है,
अब क्लोइका मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या करती है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन और एक्सक्रेटरी फंक्शन दोनों करती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम देखो बायोलॉजी क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर हम लगभग 1000 क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, तो आप उन क्वेश्चन को देखिए और उनका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आंसर भी हम बता रहे हैं, सोल्यूशन भी बता रहे हैं, तभी तो बायोलॉजी क्वेश्चन एंड सोल्यूशन उस प्लेलिस्ट का नाम है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट में भी हमें बता दिया करो कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चन भी आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, ओके।